हेलो फ्रेंड्स, अटफ किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको अपनी किचन में बनाना सिखाऊंगी तरबूज के छिलके से टूटी फ्रूटी। जी हाँ, टूटी फ्रूटी तो आपने खाई होगी, बच्चों को भी बहुत पसंद है। आज हम उसको बनाएंगे तरबूज के छिलके से। फ्रेंड्स, अक्सर हम तरबूज खाते हैं और उसके छिलकों को फेंक देते हैं। मैं भी पहले ऐसे ही किया करती थी, लेकिन अब मैंने यहाँ पे कुछ नया सीखा है, जैसे कि तरबूज के छिलकों को हम रीयूज़ कैसे कर सकते हैं। इससे आप यकीन नहीं मानेंगे, तरबूज के छिलकों से भी हम टूटी फ्रूटी बना सकते हैं, वो भी बिल्कुल मार्केट जैसी। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे तरबूज के जो छिलके हैं उनको बचा लिया है। इन छिलकों पर से जो उसके ऊपर की परत थी उसे निकाल दिया है, साथ ही ये जो लेटनेस होती है इसको भी मैंने रिमूव कर दिया है। अब हम इसके बहुत ही छोटे छोटे क्यूब्स कट कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से मैंने सारे छिलकों के क्यूब्स कट करके इनको इकट्ठा कर लिया है। अब यहाँ पैन में मैंने 1 ग्लास पानी डाला है। इसमें मैं जो हमने छिलके के क्यूब्स काट रखे थे वो ऐड कर रही हूँ। इनको हमें अच्छे से बॉईल करना है। यहाँ पे मैंने लिड लगा दी है, इनको अच्छे से बॉईल करेंगे। बॉईल हमें इनको ट्रांसपेरेंट होने तक करना है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये अच्छे से बॉईल हो गए हैं, एकदम ट्रांसपेरेंट हो गए हैं। अब हम टूटी फ्रूटी की चाशनी तैयार कर रहे हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर 1 कटोरी पानी लिया है और उसमें 1 कटोरी चीनी डाल दी है। चीनी और पानी आपस में अच्छे से घुल गए हैं। अब हम इसमें जो क्यूब्स थी बॉइल्ड वो डाल देंगे। हमें इसको तब तक बॉईल करना है जब तक जो चीनी और पानी का जो मिश्रण है वो ये क्यूब्स अच्छे से एब्जॉर्ब ना कर लें। तो चाशनी ऑलमोस्ट क्यूब्स ने एब्जॉर्ब कर दी, बट हमें थोड़ी सी बचानी होगी। अब इनको हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। हर पार्ट में अलग अलग कलर डाल करके इनको हम इस तरह से मिक्स कर देंगे। यहाँ मैंने रेड कलर डाला है, इससे रेड कलर की टूटी फ्रूटी तैयार हो रही है। अब मैंने यहाँ पे येलो कलर डाला है, आई होप ये आपको विजिबल है। इसको भी हम रख देंगे मिक्स करके। इसके बाद हम तैयार करेंगे ग्रीन कलर की टूटी फ्रूटी। यहाँ पे जो भी मैं खाने वाले रंग यूज कर रही हूँ, ये किसी भी ग्रोसरी शॉप में आपको आसानी से अवेलेबल होंगे, आप जाके इसे बाय कर सकते हैं। अब हम इसको कम से कम 2 से 3 घंटे के लिए एब्जॉर्ब करने के लिए रख देंगे। यहाँ पर हम प्लेट में इस तरह से फॉइल पेपर लगा लेंगे, इन्हीं के ऊपर हमें इन टूटी फ्रूटीज को स्प्रेड करके सुखाना होगा। टूटी फ्रूटी निकालते समय एक बात का ध्यान रखें, इसमें जो भी एक्सेस पानी है या चाशनी है उसको हमें अलग रखना है, रिमूव करना है। तो साइड करके हमें कॉर्नर से इस तरह से टूटी फ्रूटी चम्मच की हेल्प से निकालनी होगी, जिससे क्या होगा, जो भी एक्सेस ऑफ चाशनी है वो अलग हो जाएगी और बची हुई टूटी फ्रूटी हमें अलग से यहाँ पे सुखानी होगी। देखिए, आप चाहें तो इसको इस तरह से भी कंज्यूम कर सकते हैं, बच्चों को खाने को दें, या फिर किसी भी चीज़ में अगर आपको मिक्स करना है, आइसक्रीम पे या केक में डाल के देना है, तो आप इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज आप इसको सुखा भी सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से हम इसको प्लेट पर रख रहे हैं, स्प्रेड कर रहे हैं। इनको हमें मिक्स नहीं होने देना है, अलग अलग ही हम इन्हें स्प्रेड करके रखेंगे तो ज़्यादा बेटर है। आप चाहे तो रूम टेम्परेचर पर या फिर आप इसे धूप में भी रख सकते हैं, धूप में बहुत ही जल्दी सूख जाती है। इसे कम से कम पूरे दिन के लिए आपको धूप में रखना होगा। ये देखिए, मैंने यहाँ पे पहले से ही कुछ टूटी फ्रूटी तैयार करके रखी हैं, धूप में रख के मैंने इन्हें सुखा भी लिया है। देखिए कितना अच्छा कलर आया है, बहुत ही एकदम इक्वल शेप में ये तैयार हुई है। सूखने के बाद ये आपको कुछ इस तरह से नजर आएंगी। अब आप चाहें तो आप इसको बहुत लंबे समय तक स्टोर करके रख सकते हैं, जब भी केक बनाएं या मैंगो शेक बनाएं, आइसक्रीम बनाएं, तो उसमें डालकर आप बच्चों को खिला सकते हैं, खुद भी एंजॉय कर सकते हैं।
तो तरबूज के छिलके से टूटी फ्रूटी बनकर तैयार है। आई होप आपको मेरा ये तरीका पसंद आया होगा। अपना फीडबैक मेरे साथ शेयर करें, साथ ही चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग द चैनल।